वन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सेल डीआरडीओ गेट इन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर मेटलर्जी। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का 12वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने इस तरह से फोटो खींच के यहाँ पर डाले हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप करने में बहुत समय आता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी को सेटिंग में जाके हायर हायर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए, तो आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, तो टोटल में 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC। तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो ऑप्शन है 10, 8, 12 या 16। तो इसका होता है 12। ठीक है, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम सराउंडेड, जैसे मतलब एक एटम को कितने और एटम घेरे हुए हैं, ठीक है, उसके नेबरिंग एटम कितने हैं, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो FCC में होता है 12। BCC का कितना होता है ये पूछा है सेकेंड क्वेश्चन में। ऑप्शन है 10, 8, 12 या 16। तो होता है इसका 8। ठीक है, BCC के लिए कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP। तो HCP के कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ऑप्शन है 10, 8, 12 या 16। तो इसका भी आंसर है आपका 12। ठीक है, FCC और HCP स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है 12। ठीक है, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सिमिलर होती है BCC और FCC और HCP में, कि उसका पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, ये है ना। बस अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है, जैसे FCC में ABC अरेंजमेंट होता है। किसमें? FCC में ABC अरेंजमेंट, और HCP में आपका AB अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यही मेन फ़र्क होता है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह वही रहता है, बट प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC? तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर BCC का कितना होता है? ऑप्शन है 0.68, 0.72, 0.74 या 0.82। तो BCC का होता है 0.68। ठीक है, अगर इफिशेंसी बोलता एटॉमिक पैकिंग इफिशेंसी तो वही 68% हो जाता, फैक्टर पूछा तो 0.68 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FCC की पैकिंग फैक्टर कितना होता है ना। ऑप्शन वही है, सेम ऑप्शन है, तो इसके लिए होगा 0.74%, 0.74 या फिर परसेंटेज बोलेगा, इफिशियंसी बोलेगा तो 74%। ठीक है, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP? तो HCP का भी होता है 0.74 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, सेम एज FCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC। तो BCC में एक सेल में कितना एटम होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल। तो BCC के लिए कितना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसके लिए होता है 2। ठीक है, BCC का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 2 होता है, एक सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे उसको एक काउंट करते हैं, और 8 कॉर्नर पे होता है। ठीक है, तो कॉर्नर का जो एटम होता है वो 8 और यूनिट सेल के साथ शेयर में रहता है ना। तो 1 × 1/8 + 1, इससे से कितना हो जाता है? 2 होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। HCP में कितना होता है? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो HCP के लिए होता है आपका 6, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम HCP में होता है 6। ये सब का डिटेल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि कैसे 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही है एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ FCC। FCC में होता है 4। ठीक है, 4 होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, रेशियो ऑफ लॉन्ग यूनिट सेल लेंथ टू शॉर्ट यूनिट सेल लेंथ C/A फॉर HCP। ठीक है, आप देखो HCP कैसे रहता है, आपका HCP इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये HCP स्ट्रक्चर है, तो इसका C/A रेशियो होता है। C/A रेशियो किसको बोलते हैं? ये जो है इसके ए एक बेस से यहाँ ऊपर तक का जो लेंथ होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं C, सी से डिनोट करते हैं, और ये जो इस सेंटर से इसके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ए। तो इसके बीच का रेशियो होता है C/A रेशियो। ठीक है, तो ये कितना होता है HCP में? तो ये होता है 1.633 होता है, फिक्स होता है 1.633, वही पूछ रहा है इसमें सेम चीज़, 1.633 ये आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेन बाउंड्री एनर्जी इज फंक्शन ऑफ। तो जो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, या उसका फंक्शन क्या है ये पूछ रहे हैं, मतलब किस पे डिपेंड करता है, ये सीधी सी बात पूछ रहा है। ऑप्शन है टोटल इंटरफेशियल एनर्जी,
टोटल बाउंड्री एरिया, डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन। ठीक है, जो ग्रीन बाउंड्री एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन पे। देखो होता क्या, जैसे ये ग्रीन बाउंड्री हमारे लिए, ऐसा ये एक ग्रीन है, ये दूसरा ग्रीन है, तीसरा ग्रीन है, तो ये जो मिस ओरिएंटेशन, ये जो एंगल है इसके और इसके बीच जो एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है ग्रीन बाउंड्री एनर्जी, गामा जी एल इज इक्वल टू गामा कॉस थीटा बाई टू। ये थीटा क्या है? ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है मिस ओरिएंटेशन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन इज, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन इज, ऑप्शन है स्मॉलर फॉर हाई एंगल बाउंड्री, स्मॉलर फॉर लो एंगल ग्रीन बाउंड्री, हाई फॉर लो एंगल ग्रीन बाउंड्री या हाई फॉर हाई एंगल ग्रीन बाउंड्री। क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन क्या होता है? तो हाई होगा और हाई एंगल ग्रीन बाउंड्री, अगर हाई एंगल ग्रीन बाउंड्री है तो सीधी सी बात है मिस ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्चुअली में ग्रेन्स होते क्या है ना, ग्रेन्स बनते क्यों हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए फेराइट फेस है, तो फेराइट फेस के अंदर क्या होता है, ऐसा बाउंड्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए सबका यूनिट सेल वही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही है, ये भी फेराइट है, ये भी फेराइट, सब फेराइट है, सबका स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है, इसका भी बीसीसी है, लेकिन ये बाउंड्री क्यों बनती है, क्योंकि ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, अलग अलग एंगल का ओरिएंटेशन होता है। जैसे कुछ ग्रेन्स इस तरीके से ओरिएंटेशन में है, कुछ ऐसे है एंगल में, तो ये आपस में मैच नहीं हो पाते, तो मैच नहीं हो पाते तो बीच में क्या बन जाता है, बाउंड्री, तो ये होता है ग्रेन बाउंड्री। ठीक है ना, तो इसका मिस ओरिएंटेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, मतलब जिसका मतलब एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मिस ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, ये होता है, और उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जितना मिस ओरिएंटेशन होगा, जितना मतलब एंगल बनेगा ये है और ये है, दो ग्रेन्स के बीच में जितना ज़्यादा मिस ओरिएंटेशन होगा ना, उतनी ज़्यादा उसका क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए सिंपल से इसका फॉर्मूला तो सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन पर नहीं जाता मैं, ये होता है एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या होता है, एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है, जो कैपिटल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच है ना, और ये स्मॉल एन क्या है, ये आपका है ग्रेन साइज नंबर। ठीक है, तो इसके थ्रू ये इसका फॉर्मूला दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो हम जब ग्रेन साइज नंबर जब निकालते हैं, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना, ये हमको स्मॉल एन निकालना होता है तो ये हम एक स्क्वायर इंच में गिन लेते हैं कितना आपका ग्रेन्स आता है, फिर उसमें वैल्यू रख के हम स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं ग्रेन साइज नंबर की। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन है, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास डिफ्यूजिंग थ्रू, पूरा क्वेश्चन को मैं ला देता हूँ, द मास डिफ्यूजिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सॉलिड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, जो डिफ्यूजन होता है ना, जब भी हम हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं या किसी को हीट करते हैं मेटल को, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मतलब सॉलिड क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो बोल रहा है कि डिफ्यूजन थ्रू कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, यहाँ से लेके इस डायरेक्शन लेके अगले अगले डायरेक्शन पे, है ना, पर यूनिट टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजन फ्लक्स या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डिफ्यूजन फ्लक्स। ठीक है, ये होगा डिफ्यूजन फ्लक्स, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से कितने अमाउंट में एटम्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम के लिए, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन फ्लक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन कोफिशियंट इंक्रीजेस विथ। तो डिफ्यूजन कोफिशियंट है ना, इंक्रीज किसके साथ इंक्रीज होता है, ऑप्शन है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या नन ऑफ दिस। तो देखो डिफ्यूजन कोफिशियंट क्या होता है, डिफ्यूजन कोफिशियंट जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा एटम्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टील है, स्टील को मैं अगर हीट कर रहा हूँ, तो फेज चेंज क्यों होता है, डिफ्यूजन के कारण ये फेज जो है चेंज होता है।
ठीक है, जैसे सीमेंटाइट ऑक्सीडाइट बन जाता है, जैसे पहले पारलाइट होता है, गर्म कर दे तो पूरा ऑक्सीडाइट बन जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, डिफ्यूजन होता है, इसलिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो डिफ्यूजन कोफिशियंट जितना ज़्यादा होगा ना, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन कोफिशियंट कब इंक्रीज़ होगा? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हाई टेम्परेचर में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन कोफिशियंट कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है लो डिफ्यूजन कोफिशियंट, हाई डिफ्यूजन कोफिशियंट, नो इफेक्ट, या नन ऑफ दीज। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो एक एटम्स को चाहिए मूव करने के लिए या डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। मतलब मिनिमम, जैसे कार्बन को मान लीजिए डिफ्यूज़ करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है क्रिस्टल के अंदर, तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जितना कम रहेगा उतनी आसानी से डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो मुश्किल से डिफ्यूजन होगा, है ना। तो लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ? लो डिफ्यूजन कोफिशियंट, है ना, डिफ्यूजन कोफिशियंट कम हो जाएगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो, ठीक है, ये होगा उसके पीछे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्क्रू डिसलोकेशन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज, तो स्क्रू डिसलोकेशन के केस में जो एक्चुअली में ये डायरेक्शन किसका बोल रहा है कि जो डिसलोकेशन लाइन है उसका बोल रहा है मूवमेंट। तो डिसलोकेशन लाइन का मूवमेंट कैसे होता है? पैरेलल टू स्ट्रेस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू स्ट्रेस डायरेक्शन, 120 डिग्री टू स्ट्रेस डायरेक्शन, या नन ऑफ दीज। तो देखो, स्क्रू डिसलोकेशन के केस में क्या होता है? परपेंडिकुलर टू स्ट्रेस डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज़ को देखो, याद रखो, दो चीज़ होता है। एक पूछा जाता है कि बर्जर वेक्टर और डिसलोकेशन लाइन के बीच कितना एंगल होता है या फिर वो पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में, स्क्रू के केस में पैरेलल होगा, डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर क्या होता है? पैरेलल होता है। बट मोशन ऑफ डिसलोकेशन लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। एज के केस में जस्ट उल्टा होता है। एज सेम, देखो यही वाला क्वेश्चन एज डिसलोकेशन के लिए भी पूछा गया यहाँ पे, कि एज डिसलोकेशन के लिए डिसलोकेशन डायरेक्शन का मूवमेंट कैसा होता है? पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेस डायरेक्शन के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 60 डिग्री में होता है, या फिर किसी का भी कोई आंसर नहीं। तो एक्चुअली में इसके आंसर होगा पैरेलल होता है। डिसलोकेशन लाइन और स्ट्रेस डायरेक्शन क्या होता है? डिसलोकेशन लाइन का मूवमेंट और स्ट्रेस का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है एज डिसलोकेशन के केस में, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाई विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई डिसलोकेशन मोशन इज नोन एज। ये बोल रहा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई डिसलोकेशन मोशन। तो डिसलोकेशन मोशन के कारण जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइम बोलते हैं, पाइलअप बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे है स्लिप, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन से जो डिफॉर्मेशन होता है वो स्लिप ही कहलाता है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन होने का सबसे मेन फिनोमेना क्या होता है? स्लिप होता है। मेटल में डिफॉर्मेशन का मेन फिनोमेना स्लिप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलोकेशन डेंसिटी इज डिफाइन एज। डिसलोकेशन डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिसलोकेशन लेंथ पर यूनिट एरिया, या टोटल डिसलोकेशन लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, या टोटल डिसलोकेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या नन ऑफ दीज। तो देखो, राइट आंसर यहाँ पे होगा बी, टोटल डिसलोकेशन लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डिसलोकेशन का लेंथ एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो उसका डिसलोकेशन डेंसिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि 1 सेंटीमीटर डिसलोकेशन लाइन होता है पर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इसका क्या बता रहा है ये? डिसलोकेशन डेंसिटी को बता रहा है ये, कि 1 सेंटीमीटर डिसलोकेशन लाइन है कितने में? 20 सेंटीमीटर क्यूब, कितने वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये उसकी डिसलोकेशन डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ डिसलोकेशन डेंसिटी ऑफ हीट ट्रीटेड डिफॉर्म्ड मेटल इज। तो हीट ट्रीटेड मेटल के अंदर डिसलोकेशन डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो इसको मैं सीधा बता देता हूँ, तो इसके आंसर यहाँ पे ए होगा, 10^5 to 10^6 होता है डिसलोकेशन डेंसिटी। कब? हीट ट्रीटमेंट के बाद, एनहीलिंग के बाद, ठीक है। और कोल्ड वर्किंग के बाद कितना होता है? तो 10^10 से 10^12 तक होता है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के बाद डिसलोकेशन की संख्या बढ़ जाती है और एनहेलिंग के बाद संख्या घट जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दी प्रिफर्ड स्लिप प्लेन फॉर एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम के लिए प्रिफर्ड स्लिप प्लेन कौन सा होता है ना, 110 है, 111 है, 110 है, या 1 बार 10, 1 बार 11 है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ये 111, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, FCC होता है, और FCC के लिए स्लिप प्लेन क्या होता है, 111 होता है। ठीक है, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिफर्ड स्लिप डायरेक्शन फॉर टंगस्टन इज, तो टंगस्टन के लिए स्लिप डायरेक्शन कौन सा होता है। अब देखिए टंगस्टन क्या होता है, BCC मेटल होता है ना, तो BCC के लिए जो डायरेक्शन जो होता है स्लिप डायरेक्शन वो होता है 110। स्लिप डायरेक्शन क्या होता है उसके लिए, 11, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ये 1 बार 11, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन क्या है, BCC होता है। ठीक है, तो BCC के लिए जो स्लिप प्लेन जो होता है वो 110 होता है, इसके अलावा और भी स्लिप प्लेन होता है, और जो स्लिप डायरेक्शन जो होता है वो 111 होता है। ठीक है, तो आंसर ये वाला होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम ऑफ FCC, तो FCC में कितने स्लिप सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 12, ऑप्शन 3, 6, 8, 12 दिया है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है 12, तो FCC में कितने स्लिप सिस्टम होते हैं, 12। ठीक है, और BCC में आपका टोटल होता है 48 स्लिप सिस्टम होता है, HCP में केवल 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम ऑफ BCC इन स्लिप प्लेन 3-1। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो BCC का स्लिप प्लेन जो 3-1 है ना, इसके अंदर कितने स्लिप सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली में होते हैं 24 स्लिप सिस्टम, कितना होता है 24, है ना, टोटल 48 होता है, उसमें से तीन प्लेन होते हैं, तीन प्लेन कौन कौन से प्लेन होते हैं, एक 110 प्लेन होता है, एक 211 प्लेन होता है, और एक होता है 3-2-1 प्लेन। ये तीनों प्लेन एक तरह से स्लिप प्लेन का काम करते हैं BCC में, और डायरेक्शन सब में कॉमन रहता है, 111 प्लेन तीनों के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो पहले वाले के लिए टोटल स्लिप सिस्टम 12 होता है, इसके लिए भी 12 होता है, और इसके लिए 24 होता है 3-2-1 के लिए, तो टोटल इसमें 48 स्लिप सिस्टम होते हैं BCC के लिए। ठीक है, तो 3-2-1 में कितना होगा आपका, 24 सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ग्रेन डायमीटर इंक्रीजेस देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, तो ये बोला कि जब हम ग्रेन साइज़ को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा स्ट्रेंथ विल डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि ग्रेन डायमीटर बढ़ेगा मतलब ग्रेन साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रेन साइज़ बढ़ने से क्या होता है, मेटल का स्ट्रेंथ कम होता है, और ग्रेन जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना छोटा होगा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डिसलोकेशन को रेजिस्ट करेगा मूव करने से। ठीक है, तो ग्रेन जितना छोटा होगा उतना डिसलोकेशन मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सी होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमॉर्फस सिस्टम, आइसोमॉर्फस सिस्टम में क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखो, कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी, पार्शियल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक्चुअली मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ इसका, होता है आइसोमॉर्फस सिस्टम तब बोलते हैं जब कोई भी दो मेटल लिक्विड में भी आपस में पूरा सॉल्युबल हो और सॉलिड में भी पूरा आपस में सॉल्युबल हो। ठीक है, कंप्लीट 100% सॉल्युबिलिटी हो, चाहे लिक्विड में हो या सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम। तो यहाँ पर डी जो है बोल रहा है कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी एंड कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी, ये ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है कॉपर और निकल का, ये दोनों आइसोमॉर्फस सिस्टम बनाते हैं, ये दोनों आपस में पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई तीसरा फेज नहीं बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्ट्रक्चर दैट डेवलप इन स्टील डिपेंड्स ऑन, तो जो स्टील में जो माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कार्बन कंटेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब स्टील में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है, एक कितना कार्बन है, दूसरा कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने किया है। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिक्रिस्टलाइजेशन इज, तो रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन होने के लिए कौन सहायक है या किसके थ्रू होता है ना। तो ऑप्शन है स्ट्रेन एनर्जी, डिसलोकेशन मूवमेंट, इंटरनल एनर्जी बिटवीन स्ट्रेंड एंड अनस्ट्रेंड मटेरियल, या नन ऑफ दीस। यहाँ पे राइट आंसर है सी, इंटरनल एनर्जी बिटवीन द स्ट्रेंड एंड अनस्ट्रेंड
यहाँ पे पार्ट होना चाहिए, मटेरियल नहीं होगा, स्ट्रेन एंड अनस्ट्रेन पार्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या, जब हम मेटल में लोड लगाते हैं कोल्ड वर्किंग या कुछ करते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है ना क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है अंदर मेटल के अंदर। वही क्या करता है, जब हम उसको हीट करते हैं ना तो रिक्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करता है, नए क्रिस्टल बनाने में वो जो एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, वो हेल्प करता है, ठीक है। तो आंसर सी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द प्रायर कोल्ड वर्क, कार्बन कंटेंट, प्योरिटी ऑफ अलॉय या ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करते हैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे वही सब क्वेश्चन है, आपको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। होता क्या है, जब हम जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग करेंगे मेटल में, उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी मेटल पे लोड लगाते हैं, स्पेशली जब कोल्ड वर्किंग करते हैं ना, तो उसका 15% एनर्जी जो है मेटल के अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब मेटल के अंदर वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जल्दी से रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, है ना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जल्दी होगा और कम टेम्परेचर में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। कार्बन कंटेंट को अगर ज़्यादा होगा ना तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा, क्योंकि प्योर मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन जल्दी होता है, लेकिन अगर कुछ हम ऐड कर देते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और प्योरिटी ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना, जितना प्योर होगा टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कम होता है। अगर कुछ मिक्स होता है, अलॉय होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस विथ, तो रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन किसके साथ इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग ऑफ द परसेंटेज कोल्ड वर्क, इंक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज कोल्ड वर्क, देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्क या नन ऑफ दीज। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया, जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी अंदर इंटरनल एनर्जी डेवलप होगा, ठीक है। तो रेट क्रिस्टलाइजेशन का रेट कब इंक्रीज होगा, जब आपका कोल्ड वर्किंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा परसेंटेज कोल्ड वर्क रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन मेटल अलॉय बोथ सेम फॉर द ए एंड बी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर होगा मोर रैपिडली फॉर अलॉय, ठीक है। क्योंकि अलॉय क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, प्योर अगर होगा, अच्छा सॉरी, मोर रैपिडली बोला है, तो यहाँ पे आंसर होगा मेटल, क्योंकि जितना ज़्यादा प्योरिटी होगी मेटल की उतना कम टेम्परेचर लगेगा रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए और उतना फास्ट होगा रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर ए होगा, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्योर मेटल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज, प्योर मेटल के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, 0.1, 0.2, 0.3 या 0.7 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर TM का क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट, 0.1 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में, जैसे मतलब कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, तो 0.1 इंटू कर दो उसके साथ, मतलब 10 डिग्री ऐसा हो गया। तो आंसर यहाँ पे होगा 0.3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसके लिए, प्योर मेटल के लिए, और अलॉय के लिए पूछा है जस्ट उसके बाद, तो अलॉय के लिए होगा 0.7 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑपरेशन इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर। अब एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एक्चुअली से होना चाहिए कि हॉट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या हॉट वर्किंग किस टेम्परेचर पे होता है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, एबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, हॉट वर्किंग है मान लीजिए अगर, है ना। तो हॉट वर्किंग हमको पता है, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर कोई वर्किंग कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको हॉट वर्किंग बोलेंगे, उसके नीचे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग बोलेंगे, ठीक है। सीधा बहुत सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्रेन ग्रोथ, ग्रेन ग्रोथ के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, इंक्रीज इन साइज, टोटल डिक्रीज इन बाउंड्री एरिया, रिडक्शन इन टोटल एनर्जी, या ऑल ऑफ दी अबो। तो राइट आंसर एक्चुअली यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो है, मतलब जो ग्रेन ग्रोथ होता है, ग्रेन साइज बढ़ता है, उसके लिए कौन ड्राइविंग फोर्स है, तो टोटल इंक्रीज इन ग्रेन बाउंड्री डिक्रीज होता है क्योंकि एरिया बढ़ता है, तो बाउंड्री कम होने से क्या होता है, जो आपका एनर्जी है, ठीक है, जो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेन रहेगा उतना ज़्यादा बाउंड्री होगी, ठीक है।
अगर ग्रेन छोटा है तो बाउंड्री ज़्यादा होगी, और बाउंड्री ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और हर जगह देखना सिस्टम हमेशा क्या चाहते हैं, लो एनर्जी की तरफ जाना चाहता है, हाई से लो एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। तो क्या होगा, रिडक्शन इन टोटल एनर्जी, ये आपका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। और ये भी ड्राइविंग फोर्स, इंक्रीज इन साइज, भी ऑल ऑफ दी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरिया इज ए, तो थोरिया क्या है, फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट है, पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट है, डिस्पर्जन स्ट्रेंथन कंपोजिट है, या कंक्रीट है। तो राइट आंसर यहाँ पे डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग कंपोजिट होता है ये, ठीक है। ये भी होता है सिंटर्ड एल्यूमिनियम पाउडर, ये भी डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग कंपोजिट है। डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग क्या होता है, एक एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है वो पॉलीमर या ग्लास का हो सकता है, उसमें कोई और पार्टिकल्स जैसे एल्यूमिना पार्टिकल या सिलिका पार्टिकल को मैं इसमें डाल दिया, ठीक है। क्या करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन कंपोने के लिए मैंने डाल दिया, तो क्या बन गया, कंपोजिट बन गया। कंपोजिट मतलब दो अलग अलग टाइप के मटेरियल को मैं मिक्स करता हूँ, उसको कंपोजिट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्टिकल्स को ला करके मैट्रिक्स में डिस्पर्स करा दिए, जैसे एलुमिना या सिलिका को ला करके मैंने पॉलीमर में या ग्लास में डाल के डिस्पर्स कर दिया पार्टिकल्स को, तो क्या बन गया, डिस्पर्जन स्ट्रेंथन कंपोजिट बन गया, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कंपोजिट का फ़ायदा क्या होता है, कंपोजिट में दो चीज़ होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक फाइबर होता है। मैट्रिक्स हमेशा डक्टाइल होता है और लो स्ट्रेंथ का होता है, फाइबर हमेशा ब्रिटल होता है और हाई स्ट्रेंथ का होता है ना, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि हम दो अलग अलग टाइप के मेटल को मिक्स करते हैं तो हमको मतलब दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी वाला मेटल मिल जाता है। मतलब जैसे एक एक में स्ट्रेंथ कम था, है ना, लेकिन डक्टिलिटी थी, एक में क्या था, स्ट्रेंथ ज़्यादा था लेकिन वो ब्रिटल था, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो हमको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, या टफनेस भी अच्छा होगा। तो इस तरह से कंबाइन इफेक्ट के लिए हम कंपोजिट फॉर्म करते हैं, बहुत सारे टाइप का कंपोजिट आता है, ठीक है। तो थोरिया भी सेम कंपोजिट है, सिंटर्ड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पाउडर भी सेम डिस्पर्जन स्ट्रेंथिंग कंपोजिट है, और ये भी है पॉलीमर विथ फिलर, ये भी क्या है, डिस्पर्जन स्ट्रेंथिंग कंपोजिट है, ठीक है। तो इसको आपको नाम को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंटेड कार्बाइड इस, तो सीमेंटेड कार्बाइड क्या है, पॉलीमर है, मेटल है, सिरेमिक है या सिरामिक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये सिरेमिक है। सिरेमिक क्या होता है, सिरेमिक और मेटल का कंबाइन होता है, सिरेमिक और मेटल का कंबाइन, इसलिए इसको सिरेमिक बोलते हैं। इसका सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है इसका, हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, कटिंग टूल वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइबर्स आर, फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, सिंगल क्रिस्टल होता है, एमॉर्फोस होता है, या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बोथ ए एंड सी, ठीक है। वो फाइबर पॉलीक्रिस्टलाइन भी हो सकता है या एमॉर्फस भी हो सकता है, ठीक है। जनरली फाइबर क्या होता है, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है वो जनरली फाइबर होता है। जैसे कंक्रीट जो है घर बनाने के लिए जो हम कंक्रीट बनाते हैं ना, कॉलम बनाते हैं, वो भी एक तरह से कंपोजिट है, उसमें जो रॉड डलता है TMT बार वो फाइबर है। और जो हम सीमेंट गिट्टी का मिक्स करके, रेती का मिक्स करके जो हम बनाते हैं वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस मटेरियल इज जनरली, फाइब्रस मटेरियल क्या होता है, जनरली पॉलीमर होता है, सिरेमिक होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आंसर है बोथ ए एंड बी, फाइब्रस मटेरियल जनरली पॉलीमर पॉलीमर होते हैं, सिरामिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिटिकल फाइबर लेंथ दैट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपोजिट मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, मतलब होता क्या है, कंपोजिट में ना फाइबर लगा होता है, फाइबर होता है, तो फाइबर का एक पर्टिकुलर लेंथ चाहिए हमको कि इस लेंथ का फाइबर होना चाहिए, अगर नहीं हो उस लेंथ का तो उतना स्ट्रेंथ को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं घर बनाने के लिए कॉलम बना रहा हूँ, ऐसे कॉलम है, तो मैं अगर रॉड लूँगा, छोटा छोटा रॉड लेके ऐसे ऐसे रखते जाऊँगा तो क्या स्ट्रेंथ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल रॉड चाहिए जो पूरे को कवर कर सके, या पूरे को ना कर सके तो कम से कम आधे को करें, फिर उसके बाद आधे में दूसरे लगा दूँ, ऐसा। तो एक मिनिमम लेंथ चाहिए फाइबर का ताकि कंपोजिट जो आपका बन रहा हो प्रॉपर स्ट्रेंथ का बने, है ना। तो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन है फाइबर डायमीटर पे, है ना, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, और इंटरफिशियल फाइबर मैट्रिक्स बॉन्ड पे, मतलब मैट्रिक्स और फाइबर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उस पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, या ऑल ऑफ द अबो। यहाँ पर देख के आपको लग रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबो आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबो ही आंसर है। क्योंकि अगर आप सोचिए, जैसे मैं रॉड लगा रहा हूँ घर बनाने के लिए TMT बार, तो अगर एकदम पतला वायर लगा दूँ तो एकदम पतला TMT बार लगा दूँ तो वो भी स्ट्रेंथ नहीं देगा, ठीक है। अगर जो मैं TMT बार लगा रहा हूँ वो एकदम ख़राब क्वालिटी का स्ट्रेंथ है ही नहीं तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। या नेक्स्ट जो मैं TMT बार लगा रहा हूँ और जो मैं मटेरियल डाल रहा हूँ सीमेंट वगैरह, उसके बाद बॉन्ड नहीं बन रहा है आपस में, है
है ना, बॉन्ड नहीं बना पा रहा तो भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो तीनों पर डिपेंड करता है वो जो है, ठीक है। फाइबर लेंथ जो हमको चाहिए मिनिमम, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरमेट इज़ द, तो सेरमेट जैसे मैंने अभी बताया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड सिरामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोजन रेट इंक्रीजेस विद, तो कोरोजन रेट किसके साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ घटता है, कांस्टेंट रहता है या अनसर्टेन रहता है। तो सीधी सी बात है, कोरोजन हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, क्योंकि कोरोजन इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और हर केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के साथ जनरली बढ़ता है, जनरली है ना, जरूरी नहीं है बट जनरली बढ़ता है। तो कोरोजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वर्कड मेटल इज ससेप्टिबल टू करोजन एज कम्पेयर टू द सेम मटेरियल इन अनहेल्ड कंडीशन। ये बोल रहे हैं कि कोल्ड वर्किंग किया हुआ मेटल है ना, क्या ज़्यादा कोरोजिव रहता है या कम कोरोजिव रहता है एज कम्पेयर टू एनहेलिंग एनहेल्ड मेटल। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी मेटल में स्ट्रेस लगा देते हैं, कोल्ड वर्किंग करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाता है, वो इंटरनल एनर्जी क्या करता है, कोरोजन को बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, मोर मोर ससेप्टिबल टू कोरोजन होगा, मतलब जल्दी कोरोजन होगा कोल्ड वर्किंग वाले मेटल पे एज कम्पेयर टू एनहेल्ड मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेटल्स एंड अलॉय हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड वाइल एक्सपोज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ये बोल रहे हैं कि दो मेटल या अलॉय, ठीक है, जो अलग अलग कंपोजिशन के हैं, वो दोनों टच में है। मान लीजिए कॉपर और एक तरफ से जिंक, दोनों क्या है, टच में है और बाहर एनवायरनमेंट में है या किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म अटैक बोलेंगे। अब इसमें जो कोरोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म अटैक बोलेंगे, गैल्वेनिक कोरोजन बोलेंगे, क्रेवाइस करोजन बोलेंगे या सिलेक्टिव लीचिंग बोलेंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पे गैल्वेनिक कोरोजन, जहाँ पे भी दो डिसिमिलर मेटल या अलॉय का कांटेक्ट होता है और उसके कांटेक्ट होने के कारण जो कोरोजन होता है उसको हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एनोड बनता है, एक कैथोड बनता है, तो जो एनोडिक एरिया होता है वहाँ पे कोरोजन होता है, जो कैथोड पार्ट होता है वहाँ पे कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये 50वां, गैल्वेनिक कोरोजन प्रिवेंटेड बाई, हम गैल्वेनिक कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यूजिंग ऑप्शन है यूजिंग एनोड एरिया एज लार्ज एज पॉसिबल या कैथोडिक प्रोटेक्शन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए गैल्वेनिक कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं दोनों से, या तो एनोडिक एरिया को इतना ज़्यादा बढ़ा दो है ना, कैथोड के कंपेयर में एनोड इतना बड़ा हो कि कोरोजन उतना इफेक्टिव ना रहे, या कैथोडिक प्रोटेक्शन करो, मतलब जैसे मुझे किसी को बचाना है, जैसे मुझे इस मेटल को बचाना है ना, तो मैं क्या करूँ, इस मेटल को कोरोजन से बचाना है तो मैं इसके साथ एक और मेटल लगा दूंगा जो क्या करेगा, एनोड का काम करेगा, जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ऊपर होगा वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो जब भी अब कोरोजन होगा तो ये इस मेटल का होगा ना कि इसका। तो जिस मेटल का भी मुझे बचाना है उसको मैं कैथोड बना दूंगा और उसके साथ एक और मेटल लगा दूंगा जो एनोड का काम करेगा। तो इस तरह से कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था आज का पूरा ये सेशन, 50 क्वेश्चन टोटल मैंने किया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।